हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। आप देख रहे हैं ब्यूटी बिलियन साई पूनम। मैं आज आपको ब्लाउज़ की स्टिचिंग सिखा रही हूँ। इसकी कटिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ। जो कटिंग सिखाई है मैंने बहुत ही आसान तरीके से सिखाई है, बहुत ही इजी ट्रिक से आज इस वीडियो में स्टिचिंग सिखा रही हूँ। क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाती है, फिर कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक ही में डालती तो मुझे बहुत कट करना पड़ता, इसलिए मैंने पूरा फुल कटिंग और पूरी फुल स्टिचिंग बताई है। त्रुपन से लेके आई हुक तक, पाइपिंग से लेके पाइपिंग त्रुपन कैसे होती है, नीचे बॉडी में त्रुपन कैसे करते हैं, कैसे पूरी प्लेट्स डालते हैं, पफ स्टाइल में प्लेट्स कैसे लगाते हैं, कैसे स्टिच करना, सारा कुछ बताया है। पूरी फुल वीडियो देखना। ये देखो बैक पार्ट था मेरा, बैक पार्ट में फोल्ड कर लिया मैंने आधा इंच, क्योंकि बॉर्डर वाला ब्लाउज है तो आधा इंच ही आपका फोल्ड होगा। अब देखो आप, मैं प्लेट्स कैसे उठाती हूँ, कैसे लगाती हूँ। इस तरह से उठाया है मैंने प्लेट को। और आपको अगर फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ही सीख रही हो तो आप स्केल का यूज़ कर लें और तिरछा रख लें। निशान लगाना, कट करना, ये सारा कुछ मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। इसके पहले पार्ट में अगर आपने वो नहीं देखा है, पहला पार्ट कटिंग का, तो आप उसको देख लें। पूरा निशान लगा कर कटिंग करके मैंने पूरे पहला पार्ट में बता चुकी हूँ। इसमें सिर्फ स्टिचिंग है आपकी, फुल स्टिचिंग है। पर देखो इस तरह से मैंने तिरछी स्केल से करा था और सिलाई लगा दी है। इसी तरह से मैं दूसरी वाली प्लेट पे लगाऊंगी। देखो फिनिशिंग के साथ सिलाई आई जो है, एकदम पूरा बबल सा नहीं बनना है। प्लेट लगाने की ट्रिक होती है, ढार होता है। अगर प्लेट को भी हम ब्लाउज की ऐसे ही लगा देते, एकदम प्रॉपर प्लेट्स लगनी चाहिए। तो वही चीज़ मैं आज आपको इसमें सिखाऊंगी कि तीरा पट्टी कैसे लगाते हैं, आई हुक की पट्टी कैसे लगाते हैं, पाइपिंग वाली पट्टी को कैसे जोड़ा जाता है, सब कुछ बताऊँगी इसमें। दोनों प्लेट्स लगकर रेडी हो गई हैं मेरी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इसका तो ज़रूर देखें, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा ये। अब देखो मैंने जो बाजू की कटिंग करी थी उसको भी मैंने जो आगे से बॉर्डर के आगे जो हल्की सी किनारी दे रखी है आधे इंच, सिर्फ उसको ही फोल्ड करूँगी मैं। अगर सिंपल कपड़ा होता तो हम एक से डेढ़ इंच फोल्ड करके तुरपन करते, लेकिन सिर्फ इसमें आधा ही इंच आता है कपड़ा, तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देते हैं हम जो है। आपको भी इसी तरह से करना है। अब मैं सिलाई लगा दी है पीछे का, और बाजू मेरी एकदम प्रॉपर हो गई है। अब मैं आपको मेन पार्ट यानी जो आगे के मेन पार्ट हैं, प्लेट्स लगाते हैं, तीरा पट्टी लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं, सब कुछ बताऊंगी इसमें। देखो ये जो मैंने प्लेट्स लगाई ना प्रॉपर बचा चुकी हूँ मैं, आपको फिर से एक बार बता रही हूँ कि जी मैं बैंगल की सहायता से मैंने इसमें सर्किल बनाया था और चारों प्लेट्स लगाई थी। और जो फर्स्ट गले की तरफ और जो बीच वाली प्लेट्स होती है उसमें दो का अंतर होता है, और जो साइड वाली और जो आर्म होल वाली प्लेट होती है उसमें सवा दो से ढाई तक का हमारा अंतर होता है। जैसे हमारा चेस्ट बढ़ता जाता है वैसे ही हमारा अंतर बढ़ता जाता है, यानी दूर होती जाती है प्लेट। अब इन प्लेटों को लगाने का तरीका देखो, इस तरह से लगाया है। ये तीरा वाला योगा पट्टी भी बोलते हैं, तीरा वाली पट्टी भी बोलते हैं, वो है आपका ब्लाउज। तो नीचे से कट कर चुकी हूँ इसको मैं ऑलरेडी। देखो इस तरह से ढार आना चाहिए, तिरछा एकदम पूरी प्रॉपर आपको सिलाई निकालनी चाहिए, गोल घुमाकर नहीं निकालनी है आपको। अगर गोल घुमा के निकालोगी तो बबल सा बन के आ जाएगा ऊपर। देखो इसमें बबल नहीं बना, सिर्फ दो ही प्लेट्स डाली हैं, उतनी में ही तो मेरा पफ उठ गया है ऊपर। समझ में आ रही है हमको? अगर हम नॉर्मल अस्तर का ब्लाउज भी सिल रहे हैं तो हमें पफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह से प्लेट्स लगाएंगे ना प्रॉपर निशान लगाकर, तो कभी भी आपका पफ बैठेगा नहीं। देखो सिर्फ तीन प्लेट से और उठ गया पफ ऊपर। अब मैं चौथी प्लेट्स भी लगाऊंगी। मैंने कौन सी प्लेट पहले लगाई है, कौन सी बाद में लगाई है, इसको आप देखते जाना ध्यान से, तभी आपका जो पफ है ना आगे का एकदम परफेक्ट बैठेगा। कोई आपकी उस पफ में कमी निकाल ही नहीं सकता। फिटिंग एकदम परफेक्ट, किसी भी साइज़ का बना लो आप, इसी तरह से प्लेट्स लगाओगी तो हर एक साइज़ में आपका पफ जो है सेट बैठेगा। आप देख सकते हो पूरा प्रॉपर उठ रहा है ऊपर। मैं एक एक पॉइंट्स बताऊंगी, एक एक क्लियर बताऊंगी चीज़ में, कहाँ पर आप क्या कमी करते हो। ये कमी करते हो जो प्लेट्स लगाते हो ना, आप निकालते हो मशीन को, निकालना नहीं जबरदस्ती, निकल कर आए अपने आप मशीन, धार आए प्लेट के अंदर, वह सबसे। देखो आप खुद ही देख सकते हो कि कितना पफ ऊपर उठ रहा है। हमें रेडीमेड पफ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि सिंपल ब्लाउज है और सिंगल कपड़ा है तब इतना पफ उठा है। सोचो मैं डबल कपड़े में अस्तर वाले ब्लाउज में सिखाऊंगी तो कितना आपका पफ उठ कर आएगा। एकदम परफेक्ट, देखो कोई बबल्स नहीं किसी भी प्लेट्स में मेरे। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही अच्छी वीडियो है। प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। जो सिलाई सीख रहे हैं या सिलाई सीखना चाहते हैं या थोड़ा आता है उनको परफेक्ट फिनिशिंग नहीं आती, तो वही फिनिशिंग के लिए मैं इस वीडियो को क्लियर एक एक पॉइंट सिखाऊंगी। इसमें थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो गया है वीडियो, लेकिन आप इस वीडियो से 100% ब्लाउज की स्टिचिंग सीखेंगे और इसका पहला पार्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो कटिंग भी सीख जाएंगे आप।
आपको अस्तर वाले ब्लाउज में भी इसी तरह से प्लेट्स लगानी है, ये नहीं कि अस्तर वाले अलग स्पेस लगती हैं, लेकिन हाँ उसकी कटिंग ज़रूर अलग है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। वैसे मैं ऑलरेडी और वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन और जब भी अब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइब आए हैं, क्योंकि मैं एक वीडियो बहुत वायरल हुई है मेरी, तो बहुत सारे सब्सक्राइब आए हैं, उन लोगों के लिए मैं एक अलग से न्यू अस्तर वाली कटिंग बताऊंगी। अब देखो जो प्लेट्स लगाई है, तीरा पट्टी जो अटैच कर रही हूँ, जो बीच वाली पट्टी थी उसको मैंने हल्का सा फोल्ड कर लिया, जिसकी मेरा जो नीचे का प्लेट्स है ऊपर एकदम क्लियर हुट कर आए, जो है बीच में दबे नहीं, उसकी जो फिनिशिंग है वो ख़राब ना हो। आपको डबल स्टिच करके चलना है, ध्यान रखना जब हम तीरा पट्टी यूज़ करते हैं वहाँ पर डबल स्टिच लगाएं, क्योंकि बाद में सिंगल स्टिच खुल जाती है तो उसको सेटिंग करने में परेशानी होती है। देखो जो कट एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों है, क्योंकि हमने प्लेट डाल चुकी हूँ ऊपर, इसलिए हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ गया, उसको हमने कट कर दिया है, क्योंकि पहले हम जब कटिंग करते हैं तो प्रॉपर उसी कपड़े में से कट करते हैं, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में हम प्लेट डाल देते हैं, नीचे वाले में हम नहीं डालते हैं। तीरा पट्टी में यही होता है कि नीचे वाले में हमें बेल्ट वाले में प्लेट नहीं, सिर्फ ऊपर ही ऊपर चारों प्लेट लगानी होती है हमें। अब देखो इसमें पट्टी लगाना सिखा रही हूँ, इसमें मुझे हुक लगाना है। ध्यान रखना अगर आपको ब्लाउज बनाना है हुक वाला, तो सीधे हाथ की तरफ हुक लगते हैं, उल्टे हाथ की तरफ आई लगती हैं, तो उसी हिसाब से आप पार्ट में सीधे हाथ की तरफ हुक की पट्टी लगाएं और उल्टे हाथ की तरफ आई की पट्टी लगाएं। देखो मैंने ऊपर से लगाई है, पलट के ऊपर से एक और स्टिच कर ली है, जिससे कि हमारा कपड़ा एकदम प्रॉपर सेट हो जाए, इधर उधर कपड़ा ना जाए। हमें अस्तर वाली पट्टी को भी ऐसी लगाना है ब्लाउज में, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। देखो मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है, अब एक सिलाई इसके ऊपर से और लगा दूंगी। कच्ची सिलाई करेंगे, 5 नंबर की सिलाई करेंगे, क्योंकि हमें तुरपन करनी है, हमें ब्लाउज के अंदर फिनिशिंग लानी है, सिलाई बहुत ही कम दिखानी होती है हमें कॉटन वाले ब्लाउज में, तो ज़्यादातर हम तुरपन यूज़ करते हैं, जैसे बेल्ट में, कमर में, आई हुक वाली पट्टी में, स्लिप्स में, लेकिन इसमें बॉर्डर था तो हमने सिलाई से ही उसको अटैच कर दिया था, एक एक आधा आधा इंच का था। अब देखो आई वाली मैं पट्टी लगाऊंगी, कैसे लगानी है। हुक वाली पट्टी मैंने ऊपर से लगा के अंदर फोल्ड करी थी, आई वाली पट्टी को मैं अंदर से लगा के ऊपर फोल्ड करूँगी, एकदम फिनिशिंग के साथ आती है, कोई बाहर आपका कपड़ा नहीं दिखाई देता है। तो आपको सेम अस्तर वाले ब्लाउज में भी इसी तरह से करना है, कोई भी ब्लाउज बनाओ आप, चाहे पीछे हुक लगा रहे हो चाहे आगे हुक लगा रहे हो, तो इसी तरह से आप पट्टी लगाओगे, आई वाली को अंदर से लगा के बाहर की तरफ पलटोगे ना, तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। आप डबल करके डायरेक्ट लगा दी तो उसमें बाहर कपड़ा दिखाई देता है। अब देखो सेट कर लूँगी, आधा इंच की तरफ फोल्ड करूँगी इसको मैं, और ऊपर इस पर रखकर सिलाई लगा दूंगी। ये कॉटन कपड़ा है, बहुत जल्दी सेट हो जाता है। अगर आप सीख रही हो तो कम से कम 4 से 5 आप कॉटन के ब्लाउज ही बनाएं, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के लिए। अगर आपको एकदम वाकई में सीखना है और स्टिच करनी है तो कम से कम 4-5 ब्लाउज आपको बनाने ही होंगे सिर्फ कॉटन के, जिससे कि आपका हाथ सेट हो जाए। अगर आप 1-2 ब्लाउज बना के सीधा साड़ी के ब्लाउज पर लेंगे, अस्तर वाले ब्लाउज पर आ जाएंगे, या सिल्किन पे, ऑर्गेंजा फैब्रिक के नेट पे, तो फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए कम से कम 4 से 5 आपको कॉटन के ब्लाउज सिलने हैं, 4 से 5 आपको अस्तर के, ज़्यादा सरकने वाले कपड़े ना हो उन साड़ियों के सिलने, तब आप एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब देखो मेन पॉइंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप क्या गलती करते हो, ये प्लेट से प्लेट मिल रहा है, तीरा पट्टी से तीरा पट्टी मिलाना है हमको, ठीक है। अब हमें मेरा परफेक्ट आया ऊपर नीचे नहीं हुआ है, तो जो हम हुक की पट्टी लगाते हैं अंदर फोल्ड करके, तो उस वाले गले में हमें हल्का सा इस तरह से जो निशान लगाया ना, सिर्फ नाम मात्र के लिए, ये बीच में से निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि हम जब पट्टी लगाते हैं तो थोड़ा सा कपड़ा अंदर चला जाता है, उससे इस जो गले का छोटा हो जाता है गुलाई के अंदर, तो हम इसलिए हल्का सा बीच में से निकालते हैं, जिससे कि हम जब पहने ना इसको तो परफेक्ट गुलाई आए, परफेक्ट गोल आए। अगर इसको हम कट नहीं करेंगे तो जो हुक की पट्टी वाले होता है उसको हल्का सा वी सेप में आ जाता है, हल्का सा वी सेप में, इसलिए हम इसको कट करते हैं। ये पॉइंट्स आपको बहुत कम लोग बताएंगे, मैं इसमें एक एक पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ आपके ब्लाउज की, आपको दूसरी वीडियो देखनी ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही वीडियो से आपकी स्टिचिंग पूरी हो जाएगी, यानी 20 से 25 मिनट में आप स्टिचिंग सीख लेंगे, और फिनिशिंग के लिए 4 से 5 ब्लाउज आपको कटिंग और स्टिचिंग करने होंगे। अब देखो मैंने शोल्डर अटैच कर लिए हैं, मैं गले की साइड से हल्का सा तिरछा लेते हुए गई हूँ, जिससे कि जब मैं इसको पहनूँ ना ही मुझे डोरी की जरूरत पड़ी ना कुछ भी, मेरा गला जाएगा नहीं। आप इस तरह से अटैच करिए शोल्डर को, कटिंग तो मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया है, समझा दिया है कैसे कट करना है गोल गले को, एकदम प्रॉपर गोल गला कैसे आएगा, बिल्कुल भी आपका शोल्डर से कंधे से नहीं उतरेगा, ये मेरी इस बात की गारंटी। आप इस तरह से कटिंग करोगी, दोनों ही शोल्डर अटैच कर लिए हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट मैन, चाहे आप अस्तर का सिलें, चाहे आप नॉर्मल ब्लाउज सिलें, चाहे कॉटन का सिलें, आप ऊपर से सीधे पार्ट रखने, पीछे का भी ऊपर का भी। देखो जो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था मैंने कटिंग के टाइम पे, इसलिए लेते हैं कि हमारे दोनों ही पार्ट बराबर आएँ। ध्यान रखना इसमें भी कटिंग की बात बताती जा रही हूँ, और सिलाई लगानी आपको ऊपर से। हम आगे वाले पार्ट को हमेशा आधा से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, जिससे कि प्लेट डालते हैं छोटा हो जाता है तो पीछे वाला पार्ट बड़ा हो जाता है, फिर हम कट करते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है, मार्जिन हमारा कम हो जाता है, इसलिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर
सिलना है, अगर हम क्या कहते हैं साड़ी का सिल लें तो एक इंच ले लें, अगर आप पफ वाला सिल लें तो एक से सवा इंच तक एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि पफ वाले भी कपड़े ऊपर खिंचता है। दोनों साइड सिलाई लगा ली है, अब देखो पलट भी लिया है मैंने, और मैं आपको और ये भी पट्टी जो कट करी थी मैंने किस स्टाइल से करी थी, अब आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। जो छोटे छोटे कोने से होते हैं उसको मैंने सेट कर लिया है, और किस तरह से जोड़ना है अब मैं ये सिखाऊंगी इसमें। इस तरह से आपको नहीं जोड़ना है, कोने से कोने मिलाकर नहीं जोड़ना है, कोने से कोने मिलाओगे तो आप इस तरह से आएगा आपका। लेकिन इसमें किस तरह से पट्टी जोड़ते हैं और ये भी इस तरह से अपोजिट, जो कोने होते हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे रखने पड़ते हैं, अलग रखने पड़ते हैं, यानी एक कोने एक का पट्टी का कोना ऊपर, एक पट्टी का कोना नीचे, इस तरह से आपकी लाइनिंग सीधी सीधी पट्टी आपको जोड़नी है सारी पट्टी। बहुत ही अच्छी ट्रिक सिखाई थी मैंने और ये पट्टी कटिंग करने की, आप प्लीज़ फर्स्ट पार्ट जरूर देखें तभी आपको क्लियर समझ में आएगा गोल कटिंग कैसे की है, जिससे कि आपके कंधे ना उतरें। मैंने जो सर्कल बनाया पफ स्टाइल में किस तरह से बनाया, कैसे प्लेट्स लगाई है, कितना इंच का कितना क्या रखा, सब कुछ इसमें बताया। अब देखो पट्टी अटैच करना बता रही हूँ आपको, आगे सीधी करके इस तरह से आधे इंच से भी कम है अंदर फोल्ड करके इसे स्टिच लगा लेंगे। आप डबल करेंगे स्टार्टिंग में, डबल करने के बाद ही आपको प्रॉपर सिलाई लगाती जानी है, जिस तरह से हम एक गैफ के एक सूत पर सिलाई लगाते हैं। ना तो आपको पाइपिंग का कपड़ा खींचना है, ना ही आपको ब्लाउज का कपड़ा खींचना है। बहुत लोग को ये होते हैं कि बताते हैं कि खींच के लगाने, नहीं लगाना है। अगर आप पट्टी को खींच के लगाएंगे तो आपका गला पहली बार तो छोटा हो जाएगा, दूसरी बात पट्टी के अंदर पाइपिंग के अंदर हल्की सी सुकड़न जो झोल टाइप में होता है वो आएगा। आपको कोई भी कपड़ा दूसरे को नहीं खींचना है। देखो लास्ट में आ गया मेरा, अब मैं इसे अंदर फोल्ड कर लूँगी और डबल स्टिच करके इसको मैं निकाल लूँगी। सिंगल पट्टी से पाइपिंग लगाइए, सिंगल पट्टी से हमेशा आपको पाइपिंग लगानी है, चाहे आप अस्तर वाले ब्लाउज पे लगाएं या सादा कपड़े पे। सिंगल पट्टी पाइपिंग से बहुत ही फिनिशिंग अच्छी आती है, डबल से इतनी अच्छी नहीं आती, प्रॉपर एक आएगी पूरी, कहीं मोटी कहीं पतली कहीं कुछ ऐसा नहीं होगा। इस तरह से आप पट्टी लगाओ एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ पट्टी आएगी आपकी पाइपिंग की। ब्लाउज के अंदर सबसे मेन पफ जो पफ होता है हमारा वो, और गले की पाइपिंग, ये सब अगर अच्छी है ना फिनिशिंग आपके अंदर तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको टेलर स्पेशल परफेक्ट टेलर बनने से। अब देखो जितना मैंने अंदर कपड़ा फोल्ड किया था ना उसी हिसाब से इस पट्टी को मोड़ती जाऊंगी और सिलाई करती जाऊंगी। इस तरह से सिंगल सिलाई करनी है आपको, आप इसको या तो आप 3 नंबर की भी कर सकते हो या 5 नंबर की भी कर सकते हो, क्योंकि इस सिलाई का कोई महत्व नहीं, सिर्फ हमको इसको कपड़े को सेट करने के लिए करना है, क्योंकि इस पाइपन पर हमें त्रुपन करनी है अंदर जाके। आप इस तरह से देखो ये कपड़ा सिलाई लगाई थी सूत के ऊपर, तो उसी हिसाब से मैं कपड़े पर सिलाई लगाती जाऊंगी एक एक फोल्ड करके। इसी तरह से आपको पूरा प्रॉपर खींचना नहीं है, ध्यान रखना, फिर दोबारा बोल रही को आपको पाइपिंग का कपड़ा ना फोल्ड करने में खींचना है ना ही आपको लगाने में खींचना है, आराम आराम से बढ़िया तरह से लगाना है आपको। तो एक बार में ही आपकी पाइपिंग सेट हो जाएगी, आपको 3 से 4 टाइम ब्लाउज में पाइपिंग सेट करने में लगेगा ही नहीं। अब देखो पूरी पट्टी पर मैंने सिलाई लगा चुकी हूँ मैं, अब आपको जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है, लेकिन सावधानी से, ध्यान रखना जो पार्ट के कपड़े हैं ब्लाउज का पीस है उसका नहीं कट करें, इसलिए बहुत ही सावधानी से आपको आराम आराम से कट करना है। डबल पट्टी में क्या होता है कट नहीं करना होता, लेकिन वहाँ पर कभी मोटी कभी पतली आती है, लेकिन सिंगल पट्टी लगाओगे ना तो एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ पाइपिंग आएगी। देखो आप मैंने फोल्ड करके दिखाया आपको, देखो कितनी प्यारी पाइपिंग लग रही है, थोड़ा सा रेड कलर है पूरा, रेड सिलाई है रेड धागा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब मैं इस पर त्रुपन करके दिखाऊंगी बाद में, मैं आपको फिटिंग दिखाती हूँ कि फिटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले मैं बीच वाला लगाया है, जैसे आपका 38 है तो 38 का आप चौथा हिस्सा निकालेंगे, 9.5 आया 9.5 पे लगा लिया बीच में मैंने चेस्ट पे, कमर मेरी 7.5 आई 30 की 7.5 लगा लिया, और ऊपर मेरा 38 से हल्का सा कम था तो मैंने ऊपर हल्कियों की बगल का जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है, जिसका कभी कभी चेस्ट ज़्यादा होता है, बगल में हमें थोड़ा सा टाइट दबाना होता है 1/2 इंच के समथिंग अंदर, तभी आपकी प्रॉपर फिटिंग आती है बगल से। अगर आपकी बगल से फिटिंग अच्छी है और जो बाजू लगाई है आपकी बाजू की फिटिंग अच्छी है तो आपका गला कभी नहीं उतरेगा कोटे से, ये मेरी गारंटी है। अब देखो जो मैंने फिटिंग लगाई थी, जो पफ को ऊपर उठाया था हल्का सा, फिर उसके बाद दोबारा इंची टेप से निशान लगाया था, आप ध्यान से देखते हुए जानना कि मैंने कैसे कैसे निशान लगा रही हूँ। अब मैं प्रॉपर सिलाई लगा लूँगी जो मैंने निशान लगाया था, आप इसी तरह से निशान लगाना है आपको इंची टेप से चौथा हिस्सा करके, क्योंकि चौथा पार्ट है हमारा पूरी बॉडी का ये। अब देखो दूसरे वाले पार्ट पे कैसे निशान लगाना, अब हमें नापने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने सिलाई लगाई इस पर चौक से निशान लगाऊंगी, दूसरे पार्ट को इसके ऊपर अच्छी तरह से रख दूंगी और हाथ से हल्के से दबा दूंगी, तो जो चौक के निशान है इसके ऊपर आ जाएंगे और हम आराम से इस पर सिलाई लगा सकते हैं, अब हमें नापने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि दोनों साइड बराबर हमारी सिलाई आए।
मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसको मैं नाप कर दिखाती हूँ। देखो आपको इस तरह से नापना है, एक एक पॉइंट्स कपड़ा पकड़ पकड़ के आपको इस तरह से नापना है। 30 से हल्का सा ज़्यादा था तो इसको जब डबल स्टिच करूँगी ना तो उसमें मैं इसको सेट कर दूँगी। मेरा प्रॉपर फिटिंग अच्छी आई थी, अगर मेरा होता ना तो मैं आपको पहन के दिखाती। है मेरे कस्टमर का था तो जो जो आई की पट्टी लगाते हैं ना इसको हमें छोड़ कर नापना है। ध्यान रखना आई वाली पट्टी को, क्योंकि भड़ेमा पट्टी होती है वो अलग से पट्टी लगाते हैं, उसको हमें फिटिंग पर नहीं नापना है क्योंकि वो अंदर जहाँ हम उसको लगाएंगे तो अंदर लग जाएगी, इसलिए वो एक्स्ट्रा नहीं है तो हम उस पट्टी को नहीं नापेंगे। तो देखो मेरा ऊपर भी एकदम परफेक्ट बैठा है, कमर में भी परफेक्ट बैठा है और नीचे भी, अब बीच में भी सेंटर में नापना है। देखो किस तरह से नापना है ये ध्यान रखना। इसी तरह से आपको हर एक ब्लाउज को नापना है, चाहे पीछे वाले हुक को आपके, चाहे अस्तर वाला हुक हो, चाहे सिंपल ब्लाउज हो, कोई भी ब्लाउज हो आपको इसी तरह से नापना है। बीच में जो हमारी पफ बनाते हैं ना उसको ऊपर उठाते हुए इस तरह से नापना है आपको, क्योंकि जब हम पहने तो लूज ना हो पफ, इसलिए पूरा प्रॉपर उठाकर आपको नापना है। एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ मैंने क्लियर बताई है, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टिचिंग फुल बताई है वो मैंने, आई हुक से लेके पाइपिंग की तुरपन लगाना, प्लेट्स लगाना, पफ बनाना, तीरा पट्टी लगाना, डबल स्टिच करना, कैसे आपको कपड़ा फोल्ड करना, पूरा फुल बताया है। बीच में से प्लीज़ स्किप ना करके देखें, फुल वीडियो देखें तभी आपको स्टिचिंग क्लियर समझ में आएगी। आप एक बार ही वीडियो देखकर आप पूरा फुल स्टिचिंग करना सीख जाओगे। देखो डबल दोनों साइड स्टिचिंग कर ली, अब मैं आर्म होल को नापूंगी। मैं गोल बाजू लगा रही हूँ इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले ही फिटिंग कर चुकी हूँ पार्टों में। अब मैं बाजू में फिटिंग करना और स्टिचिंग बताऊंगी आपको। मैं आर्म होल नाप लिया है पूरा परफेक्ट। अब देखो एक आर्म होल में थोड़ी सी ज़्यादा था, जैसे 16 था तो 8-16 रखना था हमको हल्का सा, तो मैंने क्या सेटिंग करी, जो प्लेट्स लगाई थी साइड में वहाँ पर मैं हल्की सी स्लाइस डबल कर दी। कोई कमी होती है तो वहाँ पर हम कैसे सेट करें क्या करें सब कुछ बताया है इस वीडियो में मैंने। अब देखो स्लिप्स ले ली है मैंने, एक सीधी रखी है पहले, फिर मैंने एक उल्टी रखी है। मुझे फास्ट करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही तो आप खोल के देखेंगे नहीं। अब देखो आगे वाली कटिंग करती है तो पहले मैंने सीधी रख ली फिर उल्टी रखी, तो सिर्फ एक साइड से देखो किस तरह से कटना, आधा इंच बीच में गैप करना है पत्ती की, यानी जो लीव्स होती है उसकी हमें सेफ देनी है, उस कटिंग करनी है। क्यों करते हैं हम कटिंग, क्योंकि हमारे आर्म होल यानी बगल में गड्ढा होता है, इसलिए हमें सिर्फ आगे वाली पार्टों में ही कटिंग करनी होती है। सेम हमें पार्ट में भी कटिंग करनी होती है और सेम हमें बाजू में भी कटिंग करनी होती है, सिर्फ आगे वाले पार्टों में। पीछे वाले पार्ट में ना तो हम बाजू में कटिंग करते हैं और ना ही हमें पार्ट वाले में कटिंग करनी होती है, जो मेन पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के। अब देखो जो मेरी बॉडी का नीचे का गैप था एल्बो तक थी वो 10 था गोलाई मेरी, तो 5 कर लिया आधा, और आर्म होल था मेरा 16, तो 8 से मैंने एक सूत कंपल लगाई है, क्योंकि जब गोल लगाएंगे तो परफेक्ट बैठेगी। अगर हम 8 या 8 से हल्का सा ज़्यादा लेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी। 8 से हल्का सा एक सूत कम लगाते हैं हमेशा गोलाई में, जब भी हम गोल बाजू लगाते हैं। अब मैं देखो कैसे लगा रही हूँ गोल बाजू, मैंने बाजू पर सिलाई लगा ली, फिटिंग लगा ली। अब देखो सीधा ही करा है दोनों, ऐसे हम इसको अंदर पलट लेंगे हाथ में लगा के। तो हम पहले एक सिलाई लगाएंगे बाजू के अंदर, फिर इसको हम गोल लगाकर देख लेंगे। अगर हमारी 19-20 बैठी हल्की से कम या ज़्यादा तो वो हमें दोबारा उधेड़ना ना पड़े, इसलिए हम पहले ऑलरेडी सेट करके देख लेते। देखो मेरी परफेक्ट बैठी है, पूरी सिलाई से सिलाई फिटिंग आई है। इस पर मैं अब डबल स्टिच कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको आर्म होल में लगा दूँगी। डबल स्टिच कर लिया है मैंने, अब मैं दोबारा देखो दोबारा बता रही हूँ आपको। देखो इस तरह से सिलाई मिलानी है आपको, जो फिटिंग करी है ना बाजू की और मैंने पार्ट की, जो मेन फिटिंग है मेरी चेस्ट की उससे फिटिंग से फिटिंग सिलाई मिला ली है मैंने। अब देखो आपको क्या कैसे फोल्ड करना है, जिससे कि हमारी बगल में मोटा मोटा ना दिखाई दे, चुए नहीं, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हैं। ये पॉइंट्स आपको कोई नहीं बताएगा वीडियो के अंदर, सिर्फ सिखाते हैं पैसे कमाते हैं ज़्यादा वहाँ बताते हैं, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं बता रही हूँ। इस तरह से आपको फोल्ड करना है बाजू का भी कपड़ा और मेन पार्ट के हमारी फिटिंग में वहाँ पे भी, जिससे कि आपके बगल में मोटा मोटा दिखाई ना दे। और धीरे धीरे हल्के हल्के ऐसे हम स्टिच करते हुए आएंगे, जो है ना ही हमें बाजू का कपड़ा खींचना है ना ही हमें पार्ट के कपड़े खींचने। अगर खींचोगे तो हल्की सी सरवट सी आएगी, पहनने पर फिनिशिंग ख़त्म हो जाएगी। वो मैं बार बार के कहूँगी कोई भी कपड़ा हमें खींच कर नहीं लगाना स्टिच करते। बहुत लोग बताते हैं खींच के लगा बाजू को परफेक्ट हो जाएगी हल्की सी कम ज़्यादा, ना आप पहले ऑलरेडी उसको चेक कर लें उसके बाद ही स्टिच करें। आप देखो एकदम गोल परफेक्ट आई है, निशान से निशान मिल गया, प्लेट्स में कोई सरवट नहीं है, चुन्नट नहीं है, फिनिशिंग के साथ मेरी बाजू आई है। अब जो मैंने इस पर डबल स्टिच कर लिए किनारी किनारी, आपको इंटरलॉक की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैं किनारी किनारी डबल स्टिच कर लेती हूँ और जो हल्का एक्स्ट्रा सा कपड़ा जो तिरछा मिर्चा होता है उसको मैं एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बैठता है। अब देखो जो पट्टी लगाते हैं हम स्टेप बोलते हैं उनको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि बहुत काम करती है पूरे ब्लाउज में हमारे में। अगर स्टेप ना हो ना तो समझो बस
पूरा ही ब्लाउज की सेटिंग ख़राब हो जाती है। तो स्टेप आपको 1 से 1.5 इंच कपड़ा काटना है और इस तरह से छोटी छोटी स्टेप कट कर लेनी है बनाकर। और देखो कहाँ लगाते हैं, इसके शोल्डर के ऊपर जहाँ मुड्ढे होते हैं हमारे, जॉइंट होता है वहाँ शोल्डर के ऊपर, इसको डबल स्टिच करनी है। हम चिट बटन यूज़ करेंगे, ये सबसे मेन पॉइंट है, आपको हर ब्लाउज में लगानी है, चाहे आप अस्तर का बनाओ, सिंपल बनाओ, चाहे कटोरी ब्लाउज बनाओ, चाहे और कोई ब्लाउज बनाओ, कोई भी ब्लाउज बनाओ, सूट बनाओ, आपको ये 100% स्टेप लगानी है और चिट बटन लगानी है। बहुत ही मेन काम करती है, हमारी ब्रा की पट्टी को रोकने का काम करती है। क्या काम करती है? ब्रा की पट्टी को रोकने का काम, गले से हमारी बाहर ना दिखाई दे और या नीचे ना उतरे। अब देखो मैं 53 बता रही हूँ, मेरा पूरा फुल स्टिच हो गया है। अब देखो नीचे से फोल्ड कर लिया है, आपको ये 53 इस तरह से करनी है। जो गांठ होती है पहले हम उसको अंदर कर देंगे, फिर हल्का सा कपड़ा हम नीचे वाले पार्ट से लेंगे और ऊपर से लेते हुए इसको 53 करते जाएंगे। इस तरह से पूरा फुल बताया है, आपने अगर स्किप कर दिया है आगे बढ़ा दिए वीडियो, तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जिसने भी आगे बढ़ाई है मैंने पूरी स्टिच बताई है फुल, प्लेट्स लगाना, पफ स्टाइल में पाइपिंग लगाना, सारा कुछ बताया है, प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। और इसकी जो कटिंग है फर्स्ट पार्ट है इसकी ब्लाउज की, मैंने फर्स्ट पार्ट में कटिंग सिखाई है और सेकंड पार्ट में स्टिचिंग सिखाई है। आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, सेकंड पार्ट भी देखें, इसी से कि आपकी ब्लाउज की प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग हो जाए। अब देखो मैं आपको पाइपिंग बता रही हूँ, जो मैंने सिंगल सिलाई लगाकर पाइपिंग लगा ली थी, इसको आपको अंदर फोल्ड करना है इसी तरह से। और पहले हम इसको ऊपर से लॉक कर लेंगे कम से कम 3 से 4 बार, गांठ हमें अंदर रखनी है, जो हमारी नोट बनाई है इसमें हमने धागे में, उसको अंदर रखना है, बाहर दिखाई नहीं देना है, क्योंकि बाहर दिखाई देंगे हम गांठ को तो फिनिशिंग ख़त्म होती है। 4 से 5 हम इस तरह से टांके लगा लेंगे जिससे कि हमारा कपड़ा सेट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी नीचे से हम कपड़ा लेंगे और ऊपर हम धागा मार देंगे सुई से, लेकिन आगे हमें कैसे लगाना है, हमें पाइपिंग पर ऊपर धागा नहीं दिखाई देना है, टांके नहीं दिखाई देने हैं। तो जो हमने सिलाई करी थी पहली बार में पाइपिंग के कपड़े को लगाया था, उस स्टिच के धागे को लेंगे और पाइपिंग के कपड़े में हम सिलाई करेंगे। हमें कपड़े से नहीं लेनी है, जो निडिल है सुई हमें कपड़े में से नहीं निकालनी है, धागे में से निकालेंगे और ऊपर हम इसको कपड़े में लेकर स्टिच करेंगे, जिससे कि जो हम टांका लगा रहे हैं ना वो हमारा ऊपर दिखाई ना दे। अगर आपका ऊपर दिखाई देगा फिनिशिंग बेकार हो जाएगी और सामने देखने में भी भद्दा लगेगा। तो ध्यान रखें, सबसे मेन पॉइंट है मेरी प्रॉपर पाइपिंग पे पूरी 53 हो गई है, फुल नहीं दिखा सकती भाई देखो, क्योंकि बहुत बड़ी हो गई। सिर्फ मेन पॉइंट्स ही हम दिखाते हैं वीडियो में, बताते हैं जिससे कि आपको सिर्फ आइडिया आ जाए और आप सीख सकें। अब देख सकते हैं कितनी प्रॉपर फिनिशिंग है मेरे पाइपिंग में, पूरे कहीं चुन्नट नहीं है, सरवट नहीं है, कोई बेल्ट नहीं है, कोई झोल नहीं है, पूरा दम पाइपिंग देख सकते हो आप। अगर आपको और तरह की पाइपिंग भी सीखनी है तो आप कमेंट कर सकती हो, प्रॉपर सिर्फ ओनली पाइपिंग की ही वीडियो बना दूंगी या ओनली प्लेट्स की वीडियो बना दूंगी, आप बस कमेंट करना है आपको, या ओनली सिर्फ आई की सीखनी है। देखो रेड था कलर और रेड ही धागा था तो इतनी फिनिशिंग नहीं क्लियर पता पड़ेगी, लेकिन आपको पूरी बताने की बोलकर कोशिश कर रही हूँ, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना और आगे शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके जो रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, या आपके जान पहचान वाले सिलाई सीख रहे हैं अभी या शुरुआत करिए, तो उनकी कमी सिलाई में फिनिशिंग नहीं है तो फिनिशिंग सीख सकें मेरी इस वीडियो से। अब मैं आई बता रही हूँ, देखो मैंने 4 फोल्ड डबल धागा डाला है जिससे कि हमारी 4 परत हो गई, डबल फिर मैंने स्टिच कर लिया इस तरह से। और मैं देखो कैसे घुमा रही इस धागे को, ये देखो देखो हाथ से अंगूठे से पकड़ लिया ऑलरेडी मैंने, अब इसको सुई के से नीचे से डालूंगी मैं। लेकिन ध्यान रखना सीधी सुई नहीं डालनी है, हमें उल्टी सुई डालनी है जिससे कि हमारी सुई जो नोक है तुम्हारे हाथ में ना चुभे और बार बार इलजे नहीं, इसलिए हमें उल्टी सुई ही डालनी है। और उल्टी सुई से इस तरह से फंदा बनाकर हमें आई बनानी है प्रॉपर, तो एक किनारी सी बन जाती है, बहुत ही सुंदर लगती है आई बन के। डायरेक्ट ऐसी गोड़ मोड़ करके नहीं बनानी है आपको, इस तरह से एक प्रॉपर आई बनानी है। अगर आपको इसमें नहीं क्लियर दिखाई दे रहा है, सिर्फ बता रही हूँ मैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकती हो, तो मैं एकदम अलग धागे और अलग कपड़ा पर आपको खा सकती हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर अलग किनारी जो बनाई है मैंने एक बहुत ही सुंदर, वो आपको क्लियर दिखाई दे। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको बताने की और एक ही वीडियो में सब कुछ सिखाने की। मैं आई की हुक की अलग से भी वीडियो डाल दूँगी, आपको नहीं आता अभी सिर्फ शुरू कर रहे हो, आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कराए तो आप वहाँ पे आराम से सीख सकते हो। देखो नीचे डबल आई करी है, क्योंकि हमारी बॉडी कभी खाना खा के कम ज़्यादा हो जाती है कमर में, तो हम आराम से उसको फिटिंग दे सकें, इसलिए डबल आई करके चलें। देखो प्रॉपर धागा लिया मैंने, बार बार तोड़ा नहीं है, गांठ जिसे गांठ आए तो फिनिशिंग ख़त्म हो जाती है। देखो ये वाले हमेशा मैं हुक यूज़ करती हूँ, कभी ख़राब नहीं होते, और यही चिट बटन यूज़ करती हूँ मैं। कितना भी आप वॉश कर लें कपड़े को, कितना भी कर लें, आपको सब अगर अभी सीख रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, तो आप यही हुक यूज़ करें, थोड़ा बड़ा भी आता है, पकड़ने में आराम होता है, लगाने में भी आराम होता है हमें।
अब देखो सबसे पहले हुक में क्या करते हैं, हम ऊपर रख के जो नीचे के जो हमारे होल होते हैं उनको कवर करते हैं, डबल डबल स्टिच करके उनको कवर करते हैं, फिर ऊपर वाले होल को हम कवर करते हैं, जिससे कि हमें हुक को हमारा सेट हो जाए, हम आराम से स्टिच कर सकें। कम से 4-5 हम बार ऊपर घुमाते हैं कपड़े को साथ लेकर, और 4-5 नीचे घुमाते हैं दोनों होलों में। ध्यान रखना हमारा धागा नीचे ना दिखाई दे, यानी ऊपर दिखाई ना दे, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर स्टिच करते हैं। ऊपर स्टिच करने से मेरा वो पूरा फुल हुक लग गया है, आप देख सकते हो पूरा कम्प्लीट ब्लाउज हो गया आपके सामने मेरा। 24 से 25 मिनट में आप सिलाई स्टिच कर ली, आपको बोल रही बता रही हूँ वो तो मैं, तो इतना टाइम लग गया नहीं, आप जल्दी सीख जाओगे। एक दो ब्लाउज में आपको टाइम लगेगा, लेकिन 4-5 ब्लाउज सिल लोगे ना तो 20 से 25 मिनट में आराम से रेडी कर लोगे। कटिंग करने के बाद देखो चिट बटन भी यूज़ कर लगा लिए हैं मैंने, आई हुक भी लग गए हैं। आपको अगर मेरी बताना सिखाना कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें, और इसका फर्स्ट पार्ट कटिंग ज़रूर देखें, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। और कटिंग देखने के बाद आप फिर स्टिचिंग देखें तो आपके ब्लाउज की क्लियर कटिंग और स्टिचिंग हो जाएगी, यानी आप सिंपल बॉर्डर वाले कपड़े को प्रॉपर ब्लाउज सीख जाओगी आप मेरी वीडियो से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप पूरी वीडियो देखी, आपने पूरी कटिंग और स्टिचिंग दोनों पार्ट देखे। थैंक यू।